आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत गुराड़िया कला में मंगलवार शाम को श्रीमती नमिता प्रियदर्शिनी संयुक्त सचिव भारत सरकार ने जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा सहित 3 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र में फसलों के खराबे का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कृषि विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ गुराड़िया कला में सूखाग्रस्त क्षेत्र में हुए फसल खराबे का जायजा लिया। इस दौरान किसानों ने सोयाबीन उर्द सहित अन्य फसलों के खराब होने की जानकारी देते हुए मुआवजे की मांग की। साथ ही खराब हुई सोयाबीन और उर्द की फसल के नमूने भी दिखाए। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की क्लेम राशि नहीं मिलने की भी शिकायत की। संयुक्त सचिव नमिता प्रियदर्शिनी ने कहा कि झालावाड़ जिले में सोयाबीन और उर्द की मुख्य फसल है, जिस पर किसानों की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। अल्प और असमय वर्षा से दोनों फसलों में काफी नुकसान हुआ है, जिसका नमूना भी किसानों ने दिखाया है। उन्होंने किसानों को भारत सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान गुराड़िया कला के सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह चौहान ने क्षेत्रीय समस्याओं से भी अवगत करवाया। कार्यक्रम के दौरान डग विधायक कालूराम मेघवाल, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, भवानी मंडी प्रधान सुल्तान सिंह चौहान सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। खबर आपकी राजस्थान से मनोज जैन की रिपोर्ट।